इस टीम के द्वारा इसमें लगातार बहुत काम किया गया है। हम लोगों ने टावर डंप भी लिया है और लगभग 9 जगह से हम लोगों ने 50 से अधिक सीसीटीवी फुटेज को खंगाला है और इसमें 6 टीमें अलग अलग दिशा में कार्य कर रही थी। आज इस कांड में उद्भेदन हुआ है। इस कांड में जिस वाहन से दुर्घटना हुई थी वो वाहन को जब्त किया गया है। वो वाहन में एक पिकअप है। इनका जो कहना है कि सामने से एक बुलेट आई जो बहुत तेज गति में थी, उन्होंने दूसरी दिशा से आ रही एक गाड़ी को ओवरटेक करने का प्रयास किया और ओवरटेक करने के क्रम में ये गाड़ी इनके सामने आ गई। इन्होंने बहुत कोशिश की अपनी गाड़ी को बाएं तरफ ले जाने की, लेकिन समहाउ जो बुलेट है वो उनकी गाड़ी से टकरा गई। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। वैशाली सांसद वीना देवी व एमएलसी दिनेश सिंह के पुत्र की मौत मामले में देखिए खुलासा हो गया है और बड़ा खुलासा करते हुए मुजफ्फरपुर के यशस्वी राकेश कुमार ने खुलासा करते हुए कहा है कि देखिए जिस प्रकार से 23 तारीख के रात को खबर प्रकाश में आई थी कि एक व्यक्ति की जो है सड़क दुर्घटना में मौत हुई है, पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल में जुट गई थी। हालांकि पुलिस ने बता दें कि जो परिजन है उसके तरफ से हत्या की भी आशंका जताते हुए सड़क दुर्घटना को लेकर भी FIR दर्ज कराई गई थी। पुलिस के द्वारा इसका अनुसंधान तेज कर दिया गया था। पुलिस के द्वारा करीब 50 CCTV फुटेज खंगाले गए। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद जो मामला प्रकाश में आया है उससे ये पता चला है कि उनका एक्सीडेंट हुआ है और जिस पिकअप से एक्सीडेंट हुआ है उस पिकअप को पुलिस ने जब्त किया। इसके साथ साथ जो चालक है उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं यशस्वी राकेश कुमार, पहले आप वो सुनिए। 23 तारीख को जतपुर थाना के अंतर्गत एक मामला प्रकाश में आया जिसमें एक व्यक्ति जिनका नाम राहुल राज छोटू सिंह है, सड़क दुर्घटना के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी। इस आलोक में प्राथमिकी भी जैतपुर थाना के अंतर्गत दर्ज की गई जो माननीय विधान पार्षद श्री दिनेश सिंह जी हैं उनके आवेदन के आधार पर, और उसमें उनके द्वारा आवेदन में दुर्घटना का भी जिक्र किया गया था और साजिश के तहत ये दुर्घटना करवाने का भी जिक्र किया गया था। इस आधार पर हत्या के अंतर्गत जो हम लोगों ने मामला इसमें दर्ज किया था। चूँकि मामला काफ़ी संवेदनशील था इसलिए इसमें ग्रामीण जो पुलिस अधीक्षक हैं विद्यासागर जी उनके नेतृत्व में उनके अनुसरण में टीम काम कर रही थी जिसमें सदर SDPO भी थे। इसके अलावा हम लोगों की जो DIU की टीम है वो भी थी। SDPO सरैया चंदन इसका नेतृत्व कर रहे थे और जो जैतपुर थाना अध्यक्ष हैं वो भी इसमें लगातार सक्रिय थे और उस केस के अनुसंधानक भी थे। घटना के दिन ही जो FSL की टीम है उसके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण भी किया गया था और जो उनका प्राथमिक मंतव्य था उससे हम लोगों का अवगत कराया गया था। इसमें पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम भी काफ़ी अच्छा रहा था। जैसे ही घटना घटित हुई है और पुलिस 1 से 1.5 मिनट के अंदर घटनास्थल पर पहुँची थी। जो घायल व्यक्ति थे उनको अस्पताल भी पहुंचाया गया था लेकिन अस्पताल पहुंचते वो मृत हो गए। इस टीम के द्वारा इसमें लगातार बहुत काम किया गया है। हम लोगों ने टावर डंप भी लिया है और लगभग 9 जगह से हम लोगों ने 50 से अधिक CCTV फुटेज को खंगाला है और इसमें 6 टीमें अलग अलग दिशा में कार्य कर रही थी। आज इस कांड में उद्भेदन हुआ है। इस कांड में जिस वाहन से दुर्घटना हुई थी वो वाहन को जब्त किया गया है। वो वाहन में एक पिकअप है जिसके चालक जो है मोहम्मद, क्या नाम है उनका, मोहम्मद हाशिम है, जो हिचरा एक जगह है पानापुर करियात में, वहाँ के रहने वाले हैं। मोहम्मद हाशिम ने भी अपनी जो स्वीकृति बयान है उसमें बताया है कि वो अपनी दिशा से आ रहे थे और उनकी गाड़ी बहुत तेज गति में नहीं थी, लेकिन इनका जो कहना है कि सामने से एक बुलेट आई जो बहुत तेज गति में थी, उन्होंने दूसरी दिशा से आ रही एक गाड़ी को ओवरटेक करने का प्रयास किया और ओवरटेक करने के क्रम में ये गाड़ी इनके सामने आ गई। इन्होंने बहुत कोशिश की अपनी गाड़ी को बाएं तरफ ले जाने की, लेकिन समहाउ जो बुलेट है वो उनकी गाड़ी से टकरा गई और जो बुलेट सवार थे वहीं पे गिर गए, घसीट गए। ये स्वयं वहाँ पर उतरे। उतरने के बाद में इसने वहाँ पर देखा, इसको लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है। ये घबरा के वहाँ से भाग गया और ये भागने के दौरान में जो टोल प्लाजा पड़ता था उसको ना क्रॉस करके ये जो अंदरूनी सड़क है गांव की ओर जाती है वहाँ गए। ये एक टेंट हाउस का बिजनेस भी करते हैं और सरैया के अंतर्गत ही एक जगह पड़ती है जहाँ पे इनको टेंट हाउस का सामान लेके जाना था और वो सामान लेके जा रहे थे। इनके अभी तक का हम लोग ने जो भी इनके मोबाइल के डिटेल्स हैं या जो भी और तरीके हो सकते हैं उस पर हम लोगों ने अभी तक काम किया है। अभी तक की जाँच में हम लोगों को ये दुर्घटना का ही मामला प्रतीत हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग इसमें फर्दर और काम कर रहे हैं और पूछताछ कर रहे हैं।
इसके अलावा इसमें जो भी आगे आएगा वो आप लोगों को हम लोग अवगत करेंगे। प्री प्लानिंग का क्या पता है? अभी तक की जांच में तो ऐसा हम लोगों को स्पष्ट नहीं हो रहा है। अभी तक की जांच में हम लोगों को दुर्घटना का ही मामला लग रहा है, लेकिन अभी हम लोगों के जांच के और अनुसंधान के भी काफ़ी आयाम बचे हुए हैं, क्योंकि आज ही इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो हम लोग अभी रात्रि में पूछताछ भी करेंगे और आवश्यक होगा तो रिमांड पर लेके और फर्दर पूछताछ करेंगे, और कुछ डिटेल्स हम लोगों के सामने जैसे आते हैं उस दिशा में हम लोग अपने अनुसंधान को आगे बढ़ाएंगे और आप लोगों को अवगत भी कराते रहेंगे। बट अभी तक के अनुसंधान में हम लोगों को ये दुर्घटना का ही मामला। राहुल सर मुजफ्फरपुर की तरफ आ रहे थे? हाँ, वो अपने घर से चले थे फारू से और यहाँ मुजफ्फरपुर। तो ये आमने सामने टक्कर हुई है? हाँ, सामने से। क्या कुछ कहना था मुजफ्फरपुर के SSP राकेश कुमार का? उन्होंने साफ तौर पे कहा है जिस प्रकार से घटना हुई थी पुलिस इसमें जांच पड़ताल में जुट गई थी, और अब जो है ये जो हादसा हुआ है जिस प्रकार से जिस पिकअप के द्वारा ठोकर लगी थी उस पिकअप को जब्त कर लिया गया, इसके साथ साथ जो ड्राइवर है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।